नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती, लेकिन वह चीज़ें धीरे धीरे हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लग जाती हैं, जिसका कारण होता है कि हमारे द्वारा उन चीज़ों को इग्नोर करना या हमारे द्वारा उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होना। लेकिन दोस्तों, जब हम देखेंगे तो वह चीज़ भी हमें बर्बादी की तरफ लेकर जाती है। इसीलिए आज ही उन चीज़ों को पता करने के अंदर लग जाएं, ताकि वह आपको परेशान नहीं करें। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमारा घर परिवार अच्छा होता है, हमारे घर परिवार के अंदर कमाई अच्छी होती है और बरकत भी बढ़िया होती है, जिसकी वजह से कुछ नहीं चाहने वाले व्यक्ति हमारे ऊपर किसी प्रकार की नजरदोष आदि लगा देते हैं, या फिर कुछ गलतियों के कारण हमारे घर के अंदर नकारात्मकता रहने लगती है। हमें पता नहीं होता तो देखते देखते हम बीमार पड़ना, धन की हानि होना, पैसों का किसी प्रकार से नुकसान हो जाना, इस प्रकार की गतिविधियां धीरे धीरे हमारे जीवन और हमारी कुंडली के अंदर बढ़ती जाती है। और अगर हम चाहते हैं कि ऐसी प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन के अंदर देखने को नहीं मिले, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर के अंदर सकारात्मकता है, नकारात्मकता, वास्तुदोष है या नहीं है। दोस्तों, महादेव को त्रिलोक की नाथ कहा जाता है। महादेव से कुछ भी चीज़ छुपी नहीं है। महादेव का ये उपाय है, करने से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। क्या करें, 5 कांच की चीज ले लें, कांच की आप कटोरी ले लें, चाय कांच की ग्लास ले लें, चाय कांच की भरनी ले लें, इस प्रकार से आपको ले लेनी है। अब उन 5 ग्लास के अंदर या 5 जो पात्र आपने लिए उसके अंदर बराबर मात्रा के अंदर पानी भर दीजिए। दोस्तों, बराबर मात्रा के अंदर पानी भरने के बाद आप उनके अंदर एक पीला कलर का नींबू लें, और पीले कलर के नींबू को उस पानी के ग्लास के अंदर आपको डाल देना चाहिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि पानी के अंदर वह नींबू डूब जाता है या नहीं डूबता, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसे बराबर डालें और किसी भी ग्लास या बर्तन के अंदर आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, और पानी भी उतनी मात्रा के अंदर ही आप डालें। दोस्तों, उसके बाद आप क्या करें कि अपने घर के अंदर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहे, और उन 5 गिलास को अपने घर के अंदर 5 अलग अलग स्थान पर आपको रख देना चाहिए। कहीं आप रसोई के अंदर रख दें, कहीं अलमारी के पास रख दें, कहीं घर के मुख्य द्वार के पास रख दें, तो कहीं आप इसे घर के ड्राइंग रूम या बेडरूम के अंदर आप रख सकते हैं। इस प्रकार से 5 को घर के अंदर अलग अलग स्थान पर आपको रख देना चाहिए। उसके बाद 1 सप्ताह के लिए आप भूल जाएं कि आपने किसी प्रकार का उपाय किया, आप किसी भी प्रकार का ध्यान इस उपाय हेतु नहीं लगाएं, बस मन ही मन आप महादेव के मंत्रों का जाप करें, और याद रखें कि महादेव ही आपका जीवन का उद्धार करने वाले हैं, ऐसी आप अपने मन के अंदर ही कल्पना कर लें। अब आपको क्या करना है, 1 दिन बीतने के बाद उस जो आपने 5 ग्लास रखे हैं, उनके 5 ग्लास के अंदर आपको एक एक करके प्रत्येक ग्लास के अंदर आपको एक लौंग डाल देना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह अगले दिन वापस आए, 3रे दिन, तो आपको क्या करना चाहिए, उन 5 ग्लास के अंदर एक एक आपको काली मिर्च आपको डाल देनी चाहिए। दोस्तों, ये इसीलिए क्योंकि लौंग दोस्तों होती है जो कि आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता सौंपती है, किसी प्रकार की नकारात्मकता को खींचने का काम भी करती है, और भगवान श्री हनुमान जी को चढ़ाई जाती है। काली मिर्च आपके जीवन की तमाम प्रकार की बुरी शक्तियों को सौंपती है, नकारात्मकता हो, भूत प्रेत बाधाएं हो, तो इन्हें भी सोखने का काम करती है। अब 3रे और 4थे दिन आपने डाल दी, 4थे और 5वें दिन आपको कुछ नहीं करना है, 6ठे दिन भी आपको कुछ नहीं करना है, 7वें दिन आप क्या करें कि आप वापस उस ग्लास को आप एक स्थान पर कर लें। दोस्तों, आप देखेंगे कि ये हो सकता है कि आपके घर के अंदर नकारात्मकता हो, तो नहीं है तो कोई प्रकार की समस्या नहीं, अगर हो तो एक ग्लास के अंदर, किसी ग्लास के अंदर नींबू डूब जाएगा, किसी के अंदर नींबू तैरता हुआ आपको दिखाई देगा, कि कहीं पर पानी कम पड़ जाएगा तो कहीं पर पानी बराबर मात्रा से भी ज्यादा हो जाएगा, इस प्रकार की चीजें निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगी। तब इसका क्या मतलब है, वह भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, अगर पानी कम पड़ता है तो इसका मतलब है आपके घर के अंदर सकारात्मकता उस स्थान पर, वहां पर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है। जहां पर नींबू तैरता है वहां पर किसी प्रकार की नकारात्मकता नहीं है, लेकिन नींबू डूब जाता है तो वहां पर दोस्तों निश्चित तौर पर नकारात्मकता है,
है या और पानी बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि वहां पर आप वास्तु दोष संबंधित काम कीजिए, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी। दोस्तों यह होती है आपके घर के अंदर स्वयं परखने की कि आपके घर के अंदर बुरी शक्ति है या नहीं है, बस 7 दिन के अंदर ही आपको पता चल जाएगा। 7वें दिन आप इन सारी चीजों को एक किसी नदी तालाब के अंदर बहा दे और उन ग्लास को धोकर आप अपने घर के अंदर रख दे, किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन के अंदर नहीं आएगी। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।